जनपद बहराइच में 410 लीटर अवैध शराब पकड़े जाने के संबंध में सदर तहसील में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीएम सदर कीर्ति प्रकाश भारती, जिला आबकारी अधिकारी प्लवानिया, सीओ सिटी त्र्यंबकनाथ दुबे संयुक्त रूप से रहे मौजूद। कई महीनों से चल रहा था मिलावटी शराब बनाने का धंधा बहराइच शहर के कोतवाली नगर क्षेत्र के धनकुट्टी के वहां जांच करूंगा और साथ में अपने जितने भी स्टाफ है जो इन लोगों को लगा सकता हूं वहां पे लगाऊंगा और चेकिंग करवाऊंगा। अगर इस प्रकार की घटना पाई जाती है, इस प्रकार की गलती हो रही है तो उसको सुधार के लिए, यदि वो दुकान गलत तरीके से अवैध तरीके से इस बात को पास में 100 मीटर के अंदर स्कूल है बताए बिना संज्ञानित हुए बिना वहाँ पर किया गया है तो उसको नियमानुसार कार्रवाई के द्वारा हटाया जाएगा। साथ में जो भी दोषी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा शिक्षा के मंदिर स्कूल में शराब जैसी पीने जैसी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वैसे की जा रही है उन लोगों की सुसंगत धारों में हमारे द्वारा जेल भेजा जा रहा है। कोर्ट को न्यायालय का मंदिर माना जाता है और उस न्यायालय के सामने ही शराब की दुकानें खुली रहती हैं जहां पे आए दिन विवाद होता रहता है। किस न्यायालय की आप बात कर रहे हैं? ये सामने आप मुझे संज्ञान में नहीं है, मैं देख लेता हूँ अगर ऐसा हुआ है तो किन धनों के कैसे किस प्रकार से इन्होंने किया है उसको चेक करवाया जाएगा और यदि गलत पाया जाता है उसमें कार्रवाई की जाएगी। पूरे नगर में जो है चिप्पड़ दिख रहा है, पूरे नगर में चिप्पड़ दिख रहा है, भांग की दुकानों पे चिप्पड़ और नशे का आदि बनाया जा रहा है लोगों को। जनरल को मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं देखूंगा कुछ स्पेसिफिक अगर ऐसी दुकानें मिलती हैं जहाँ पे सही में इस प्रकार का चिप्पड़ या गांजा है उसका व्यापार किया जा रहा है तो हम लोग टीम बना के जिस प्रकार आज सरकारी के उन्होंने कार्रवाई की है सेम टू सेम इसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे और जनता के लिए प्रदेश सरकार की मंशा के लिए जो भी चीजें की जानी चाहिए उसको हम पूर्ण करेंगे। आज दिनांक 1/8/2019 को शहर के धनकुट्टी पूरा मोहल्ले में संयुक्त टीम के द्वारा जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, एसडीएम सर और मैं खुद और नगर सर्किल के तीनों थाना क्षेत्रों के एसएचओ, पुलिस लाइन की टीम, यशो महिला और महिला आरक्षियों के साथ हम लोगों ने 30 घरों में वहां दबिश किया। वहां से 430 लीटर विभिन्न घरों से अपने से शराब बरामद हुई और इस शराब की तीव्रता को बढ़ाने के लिए मौके से नौशादा और यूरिया भी बरामद की गई और इसके साथ ही जो इसमें लिप्त लोग 8 महिलाएं और 4 पुरुष को मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।